इसी पचरे में फंसी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा और आप सभी का स्वागत है बोलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के निर्माता, निर्देशक वे अभिनेता आमिर खान के खिलाफ जाति विशेष को अपमानित कर मानहानि करने और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का परिवाद दर्ज किया गया है। अदालत परिवाद दायर कराने वाले अधिवक्ता हंसराज चौधरी को गवाही के लिए 12 नवंबर को तलब किया गया है। बता दें कि फिल्म का टाइटल बदलने और मल्लाह के पहले फिरंगी शब्द हटाने संबंधी ज्ञापन दो दिन पहले निषाद समाज के लोगों ने भी जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा था। दरअसल आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एक अंग्रेजी उपन्यासकार के उपन्यास पर आधारित है, जो आजादी के पूर्व आजादी के दीवानों को आतंकवादी, ठग आदि शब्द कहते थे। फिल्म में 1795 की घटना दिखाई गई है। अधिवक्ता हंसराज चौधरी ने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा, निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य, अभिनेता आमिर खान के खिलाफ परिवाद दायर किया है। उनके अलावा 30 अक्टूबर को प्रदीप निषाद, ब्रजेश निषाद, संजीव नागर, मनोज नागर ने पारिवादी के आवास पर सोशल मीडिया पर फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर देखा, जिसमें मल्लाह जाति को फिरंगी मल्लाह शब्दों से संबोधित कर अपमानित किया गया है। परिवादी के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व ब्रजेश सिंह ने परिवाद की पोषणीयता पर बहस किया कि जानबूझकर फिल्म की TRP बढ़ाने, मुनाफा कमाने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से फिल्म का ऐसा नाम रखा गया और जाति विशेष को फिल्म में अपमानित किया गया। पूरे निषाद समाज को ठग व फिरंगी की संज्ञा दी गई। परिवाद में कहा गया है कि फिल्म की कहानी केवल कानपुर जिले की है, फिर टाइटल ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रखना फिल्मकारों की दुर्भावना दर्शाता है। फिल्म में आमिर खान को फिरंगी मल्लाह से संबोधित किया गया है। फिल्मकार जानते हैं कि विरोध पर फिल्म ज्यादा चलेगी, विरोध न होने पर लोग निषाद मल्लाह को ठग व फिरंगी समझेंगे। फिल्मकारों के इस कृत्य से जातियों में घृणा वे वीमनस्य की भावना पैदा हुई, साथ ही सौहार्द व देश की एकता व अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। फिल्म 8 नवंबर 2018 को रिलीज होगी। इसका निर्देशन विजय कृष्ण आचार्य ने किया है। फिल्म में कैटरीना कैफ भी एक अहम रोल में है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। थैंक यू।